हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आपका स्वागत है आपकी अपनी चैनल फिजिक्स पिसुमला ठोर मैम में। बच्चों, आज हम स्टडी करेंगे बर्नौलीज थ्योरम। ओके, व्हाट इज बर्नौलीज थ्योरम? दिस इज अ बहुत बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और बहुत अच्छे से समझिएगा, बहुत ही इंटरेस्ट आएगा आपको इसमें। ठीक है, बहुत ही सिंपल वे में बिल्कुल समझाऊंगी मैं बर्नौलीज थ्योरम। पहले हम इसका स्टेटमेंट समझते हैं। बर्नौलीज जी ने क्या स्टेटमेंट दिया था? व्हेन एन इनकंप्रेसिबल एंड नॉन विस्कस लिक्विड और गैस फ्लोस इन स्ट्रीम लाइन मोशन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, देन एट एवरी ऑफ इट्स पाथ टोटल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, दैट मीन्स प्रेशर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का सम, टोटल एनर्जी इज कॉन्स्टेंट। ओके, दैट मीन्स प्रेशर एनर्जी पी, काइनेटिक एनर्जी हाफ रो वी स्क्वायर, पोटेंशियल एनर्जी रो जी एच, इसका जो सम होता है वो कैसा रहता है? कॉन्स्टेंट। दिस इज ऑल्सो नोन एज कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, इसको हम एनर्जी का कंजर्वेशन लॉ भी कह सकते हैं फॉर फ्लोइंग लिक्विड और गैसेस के लिए। ठीक, तो स्टेटमेंट क्लियर हुआ? अब स्टेटमेंट में देखें, फिर से देखें क्या कह रहा है। व्हेन एन इनकंप्रेसिबल, इनकंप्रेसिबल लिक्विड, इनकंप्रेसिबल लिक्विड से आप क्या समझ रहे हैं? कुछ क्लियर हो रहा है? इनकम्प्रेसिबल ऐसा लिक्विड या गैस कुछ भी हो सकता है जिसको हम कंप्रेस नहीं कर सकते हैं। कंप्रेस मीन्स दबा नहीं सकते, असंपीट। दैट मीन्स उसकी कंप्रेसिबिलिटी क्या होनी चाहिए? जीरो। ऐसा लिक्विड जो कि वैसे तो आप जो जनरली देखते हैं ऐसा पॉसिबल नहीं है, ये आदर्श जो है लिक्विड है, आइडियल लिक्विड है, तो बर्नौलीज थ्योरम भी आइडियल लिक्विड्स के लिए ही वर्क करती है। तो इन्होंने क्या कहा, इनकी ये जो थ्योरम दी थी कब अप्लाई होगी? जब लिक्विड कैसा हो? इनकम्प्रेसिबल हो, यानी कि उसको आप कंप्रेस नहीं कर सके। दैट मीन्स अगर हम उसको कंप्रेस करें तो उसका जो वॉल्यूम है या फिर कह सकते हैं डेंसिटी, उसमें कोई चेंज नहीं आना चाहिए। अगर उसको हमें कंप्रेस करने पे उसके वॉल्यूम या उसकी डेंसिटी में कोई चेंज नहीं आता है तो हम क्या कहते हैं? दैट लिक्विड इज इनकंप्रेसिबल, उसको हम कंप्रेस नहीं कर सकते हैं, यानी कि असंपीडित। उसके लिए इक्वेशन जो है फॉलो करती है। ठीक, समझ में आए? लिक्विड इनकंप्रेसिबल है यानी कि उसकी कंप्रेसिबिलिटी जीरो है, उसको हम कंप्रेस कर रहे हैं तो उसके वॉल्यूम या डेंसिटी में कोई चेंज नहीं आ रहा है। ठीक, ऐसा लिक्विड हो। सेकंड थिंग क्या कहते हैं? लिक्विड इनकंप्रेसिबल हो। दूसरा क्या कहते हैं? नॉन विस्कस लिक्विड। नॉन विस्कस लिक्विड इससे मतलब समझ रहे हैं? नॉन विस्कस लिक्विड यानी कि ऐसा लिक्विड, ऐसी गैस जिसकी विस्कोसिटी जीरो हो। विस्कोसिटी मीन्स उसकी जो लेयर्स हैं, लिक्विड्स है या गैसेस है, क्या है? लेयर्स से मिलकर बना है, तो उन लेयर्स के बीच में जो फोर्स, फ्रैक्शन फोर्स है, टेंजेंशियल फ्रैक्शन फोर्स, वो जीरो होना चाहिए। देखिए, जनरल एक एग्जांपल देके मैं समझाती हूँ। जैसे कि आपने देखा होगा घर में, अगर आप पानी फैलाएं, पानी कहीं गिर जाता है तो क्या होता है? थोड़ी देर में वो बहता है, बहते बहते जो है रुक जाता है। सोचा आपने क्यों? दिस इज ड्यू टू विस्कोसिटी। उसकी जो लिक्विड की लेयर्स है उसके बीच में एक फ्रैक्शन फोर्स लग रहा है, श्यान बल लग रहा है। उसमें लिक्विड में एक श्यानता यानी विस्कोसिटी का गुण है। अगर लिक्विड नॉन विस्कस होगा तो वो बहता जाएगा, वो रुकेगा नहीं। ठीक, तो इन्होंने क्या कहा? लिक्विड कैसा होना चाहिए? इनकंप्रेसिबल होना चाहिए, उसकी कंप्रेसिबिलिटी जीरो होनी चाहिए। नॉन विस्कस लिक्विड होना चाहिए, उसकी विस्कोसिटी जीरो होनी चाहिए। ऐसे लिक्विड के लिए ये क्वेश्चन है। और क्या कहते हैं? फ्लोज इन स्ट्रीम लाइन मोशन। किस तरह से फ्लो होना चाहिए? वो स्ट्रीम लाइन मोशन में। अब स्ट्रीम लाइन मोशन क्या है?
स्ट्रीम लाइन मोशन का मतलब ऐसे पाथ से फ्लो हो कि हर पॉइंट पे वेलोसिटी सेम हो। इसको हम ऐसे समझें जैसे कि कोई लिक्विड इस पाथ से फ्लो हो रहा है, ठीक है। अब हमने इस पे दो तीन पॉइंट लेंगे, ए बी सी, ठीक। ए पर वेलोसिटी है वी वन, बी पॉइंट पे वेलोसिटी है लिक्विड की वी टू, सी पॉइंट पे वेलोसिटी है वी थ्री। तो कोई लिक्विड इधर से फ्लो हो रहा है इस साइड की ओर, एम से एम की ओर जा रहा है, कौन कौन से पॉइंट से पास हो रहा है, ए बी सी पॉइंट से पास हो रहा है। ए पर वेलोसिटी उस लिक्विड की है वी वन, बी पर है वी टू, सी पे है वी थ्री। तो स्ट्रीम लाइन मोशन में अगर लिक्विड फ्लो हो रहा है तो हर पॉइंट पे ए पॉइंट से जो है जितने भी उस लिक्विड के पॉइंट पार्टिकल्स पास होंगे उन सारे पार्ट्स की वेलोसिटी ए पर क्या होगी वी वन, बी पर क्या होगी वी टू, सी पर क्या होगी सी थ्री। मतलब जितने भी पॉइंट्स पास होंगे सबकी वेलोसिटी सेम होगी। ए से जितने भी पॉइंट्स गुजरेंगे, एक पहला पॉइंट गुजरा तो ए पे आया तो वहां उसकी वेलोसिटी हो गई वी वन, दूसरा पॉइंट वहां पे दूसरा लिक्विड जो है वहां से लिक्विड का पार्टिकल फ्लो हुआ उसकी वेलोसिटी हो गई वहां पर ए पर जैसे पहुंचा वी वन, तीसरा फ्लो हुआ उसकी वेलोसिटी हो गई वी वन। यानी जितने भी पॉइंट्स पास होंगे ए से उन सारे पॉइंट्स की उन सारे पार्टिकल्स की वेलोसिटी क्या होगी सेम होगी वी वन, वी वन ने एज्यूम किया हुआ है, ठीक है। मतलब जितनी भी जो भी हो रही होगी वेलोसिटी सब सेम होगी, ए पर जो होगी जितने भी पार्टिकल्स वहां से फ्लो होंगे उनकी वेलोसिटी सेम होगी, बी से जितने पास होंगे उन सारे पार्टिकल्स वेलोसिटी सेम होगी। तो इस तरह से अगर लिक्विड पास हो रहा है जा रहा है तो उस लिक्विड को हम क्या कहेंगे स्ट्रीम लाइन फ्लो है उसका, कैसा फ्लो है स्ट्रीम लाइन मोशन है, ठीक। तो ये सारी कंडीशन अगर अप्लाई हो रही है लिक्विड पे या गैस पे कि लिक्विड जो है इनकम्प्रेसिबल हो, नॉन विस्कस हो, फ्लो इन स्ट्रीम लाइन मोशन में हो, ठीक। तब अगर वो वन प्लेस टू अनदर प्लेस अगर जा रहा है लिक्विड तब क्या होगा एट एवरी पॉइंट ऑफ इट्स पाथ, इसका जो पाथ है उसके एवरी पॉइंट किसी भी पॉइंट पे हम ले लें तो जो टोटल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम होगी वो क्या होगी कॉन्स्टेंट होगी हर पॉइंट, ठीक। टोटल एनर्जी दैट मीन्स प्रेशर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी, इनका सम जो होगा वो कैसा होगा कॉन्स्टेंट रहेगा हर पॉइंट पर यूनिट वॉल्यूम का, ठीक। तो दिस इज नोन एज बर्नौली थ्योरम। तो बर्नौली की थ्योरम जो है ये है कि अगर व्हेन एन इनकम्प्रेसिबल एंड नॉन विस्कस लिक्विड और गैस फ्लोस इन स्ट्रीम लाइन मोशन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर देन एट एवरी पॉइंट ऑफ इट्स पाथ द टोटल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉन्स्टेंट, क्या होगी कॉन्स्टेंट होगी। पी क्या है प्रेशर एनर्जी, हाफ रो बी स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी, रो जी एच पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द लिक्विड, इनका सम जो है वो क्या होगा कॉन्स्टेंट होगा पाथ के हर पॉइंट पे एवरी पॉइंट पे, ठीक है। अब इसको हम ड्राइव करते हैं, स्टेटमेंट क्लियर हो गया, समझ में आ गया स्टेटमेंट, ठीक। अब इसको हम ड्राइव करेंगे P प्लस हाफ रो बी स्क्वायर प्लस रो जी एच इक्वल टू कॉन्स्टेंट, इसको हम प्रूव करेंगे। लिक्विड अगर आपको सॉरी स्टेटमेंट अच्छे से क्लियर हो गया तो फिर जो है इसका डेरिवेशन करने में कुछ नहीं रह जाता है, बहुत ही आसान डेरिवेशन है, ठीक है। देखिए डेरिवेशन करते हैं, पहले हमें क्या करना होगा एक स्ट्रीम लाइन लिक्विड जो है वो लेना होगा, कोई हमने एक इस तरह से ट्यूब ले ली एक्स वाई जिससे जो है लिक्विड फ्लो हो रहा है स्ट्रीम लाइन फ्लो है मोशन में, ठीक। ये जो एक्स पॉइंट है यहां पर हमने इसका जो एरिया है
को ले लिया क्या ए वन, कोई क्यूब ली है एक्स वाई जिसका एक्स सिरे पे जो एरिया है उसका वो क्या है ए वन है, और जो वाई सिरा है वहां पर उसका जो एरिया है वो हमने ले लिया कितना ए टू। ठीक है, अब ये हमने ग्राउंड ले ली, ग्राउंड से जो एक्स सिरा है उसकी हाइट जो है एच वन है, बाई की एच टू है। ठीक, लिक्विड जो है फ्लो हो रहा है इस तरह से स्ट्रीमलाइन मोशन में, इधर से एंटर किया एक्स सिरे से, बाई सिरे से बाहर निकला। ठीक, यहां पर जो है एक्स सिरे पे वेलोसिटी हमने मान ली जो लिक्विड फ्लो हो रहा है उनके पार्टिकल्स की V1 है, बाई सिरे पे हमने मान ली V2 है। ठीक, अब देखिए लिक्विड यहां से इधर जा रहा है तो इस पर कोई प्रेशर लग रहा होगा तभी तो लिक्विड आगे बढ़ेगा, यहां पर हमने मान लिया इस पर एक प्रेशर लग रहा है P1। ठीक, अब ये इधर से इधर जा रहा है तो इधर से इसके अगेंस्ट एक प्रेशर लगेगा जो लिक्विड को चाहेगा वह ना निकले। ठीक, तो इधर से हमने प्रेशर ले लिया P2। ठीक है, इतना क्लियर हो गया, ये सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए ना। लिक्विड एक्स रे से वाई रे पे जा रहा है, इधर प्रेशर P1 है, जो वेलोसिटी है वो V1 भी है, एरिया A1 और हाइट ग्राउंड से H1, यहाँ पे सब P2 V2 A2 इस टू ले लिए। ठीक, अब इसका डेरिवेशन हम कैसे करेंगे, हम एक्स रे पे निकालेंगे पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और प्रेशर एनर्जी एक्स रे पे, ऐसे ही बाईस रे पे निकालेंगे और देखेंगे तीनों का सम अगर x और बाईस रे दोनों का सेम है That means equation will be proved. ठीक है, तो हम अब इसको डायग्राम को जरा इधर करके बनाते हैं, इसको इरेज कर दें, फिर जो है डेरिवेशन करते हैं। देखिए हमने इधर डायग्राम बना लिया है, यहां पर अब हम प्रूफ करेंगे P प्लस हाफ रो बी स्क्वायर प्लस रोजी एच इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ओके, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत इंटरेस्टिंग डेरिवेशन रहने वाला है, बहुत ही इजी है, थोड़ा सा भी आप अगर इसको ध्यान से समझेंगे तो बहुत आराम से आप इसको ड्राइव कर देंगे। ठीक है, अब देखिए लिक्विड एक्स रे से एंटर किया, बाई से बाहर निकला। ठीक, तो एक्स रे पर जब ये एंटर कर रहा है तो इस लिक्विड को कुछ वर्क डन करना पड़ रहा है। ठीक, वो वर्क डन कितना है वो हम निकालेंगे, तो वर्क का फॉर्मूला क्या होता है W इज इक्वल टू F इंटू डी, बता चुके हैं इससे पहले वीडियो में, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक, तो हम यहाँ पर निकालेंगे फोर्स कितना लग रहा है। ठीक है, सॉरी, तो यहाँ पर फोर्स निकालेंगे कितना लग रहा है फोर्स। अब यहाँ पर देखिए प्रेशर दिया हुआ P1, तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, पर यूनिट एरिया पर जो जितना परपेंडिकुलर फोर्स लग रहा है दैट इज द प्रेशर, P इज इक्वल टू एफ अपॉन ए। तो यहाँ से एफ इज इक्वल टू क्या हो जाता है P इंटू ए, फोर्स कितना हो जाता है P इंटू ए। अब एक्स रे पे आ जाइए, यहाँ पर प्रेशर कितना है P1 और एरिया कितना है A1, तो यहाँ पर फोर्स कितना हो जाएगा एक्स रे पे एट एक्स, फोर्स विल बी इक्वल टू पी वन इंटू ए वन। अब हमें निकालना है वर्क डन, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स हमारा ये हो गया। अब यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है पर सेकेंड निकालना है। अब एक और अपने फॉर्मूला पढ़ा होगा वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, पर यूनिट टाइम में जितना डिस्प्लेसमेंट होता है दैट इज द वेलोसिटी। ठीक,
अब यहाँ पर सेकेंड टाइम कितना है, 1 सेकेंड, 1 सेकेंड में हमें निकालना है डिस्प्लेसमेंट, तो डी अपॉन 1 हो जाएगा, यानी कि जो उसकी वेलोसिटी होगी उस पॉइंट में वही उसका डिस्प्लेसमेंट होगा पर सेकेंड। ठीक, यहाँ पर वेलोसिटी कितनी है, वी वन है, दैट मीन्स वी वन हियर इज वॉट इज डिस्प्लेसमेंट। ठीक, तो यहाँ पे आ जाइए, देखिए वर्क डन निकालना है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स हम निकाल चुके हैं, P into A, यानी P1A1, और डिस्प्लेसमेंट अब कितना हो जाएगा, जो वहां पर उसकी वेलोसिटी है V1। सो सिंपल, आगे समझे, एक्स रे पे जितना लिक्विड एंटर हो रहा है उसको वर्क डन कितना हो रहा है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स, अब यहाँ पर प्रेशर दिया हुआ है तो फोर्स को प्रेशर के फॉर्म में निकालेंगे, तो प्रेशर इज इक्वल टू होता है फोर्स अपॉन एरिया, तो एफ इज इक्वल टू हो जाएगा पी इंटू ए, तो ये आपका हो जाएगा फोर्स। और डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर सेकेंड निकालना है, तो जो वेलोसिटी है वो ही वहां पर डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, तो ये आपका वर्क डन पर सेकेंड निकल आया कहाँ पर, एक्स रे पे। ठीक है, ऐसे ही वाई रे, वाई एक्सिस पे क्या होगा, अब यहाँ देखिए एक्स एक्सिस पे ऑन द लिक्विड वर्क डन हो रहा है और वाई एक्सिस पे वर्क डन क्या होगा पर सेकेंड बाय द लिक्विड। हाँ, क्या हो जाएगा, हाँ ऑन द लिक्विड है, बाय से पे बाय द लिक्विड हो जाएगा, बाय द लिक्विड एट वाई। ठीक है, बाय पे अब जो है वर्क डन कितना होगा, फिर वही फॉर्मूला फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स, अब इधर फोर्स कितना है, अब इधर देखिए फोर्स पी टू प्रेशर है और ए टू एरिया है, तो इधर फोर्स कितना हो जाएगा पी टू इंटू ए टू, और डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर सेकेंड जो वेलोसिटी है वो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा वी टू। ये वाले फॉर्मूले अगर आपको याद है तो इस लाइन को समझने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, तो फोर्स इज इक्वल टू प्रेशर इंटू एरिया, और वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो टाइम वन है तो जो वेलोसिटी है वही डिस्प्लेसमेंट है पर सेकेंड उस पॉइंट पे। ठीक है, तो वर्क डन ऑन द लिक्विड इतना हो रहा है, वर्क डन बाय द लिक्विड जो है इतना हो रहा है, तो नेट वर्क डन कितना हो रहा है, अब इधर से प्रेशर पड़ रहा है वर्क कर रहा है, और इधर से भी प्रेशर इधर को डाल रहा है, बाहर नहीं निकलना चाह रहा है, तो इधर से भी ये वर्क कर रहा है, लेकिन इधर का वर्क डन ज्यादा है तभी लिक्विड यहाँ से इधर फ्लो हो जा रहा है, बाहर निकल जा रहा है, तो नेट वर्क डन कितना हो रहा है वो हम निकालेंगे, नेट वर्क डन क्या करना होगा, इससे इसको माइनस कर देंगे, पी वन ए वन वी वन माइनस पी टू ए टू वी टू। ओके, अब इससे पहले आर्टिकल में आपने पढ़ा होगा इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी क्या कहती है कि अगर लिक्विड जो है नॉन विस्कस है, इनकम्प्रेसिबल है, स्ट्रीमलाइन में फ्लो हो रहा है, तो हर पॉइंट पे लिक्विड की एरिया और वेलोसिटी इनका जो मल्टीप्लिकेशन ए इंटू वी वो क्या होता है, कांस्टेंट रहता है, यानी कि ए वन बी वन जो होगा वही वैल्यू ए टू बी टू वो था वो विल बी इक्वल। इधर हम लिखते हैं We know that from equation of continuity, yeah, A1 V1 is equal to A2 V2. A1 V1 क्या है? A volume है, ये area और ये per second velocity, that is displacement. तो ए वन बी वन क्या है, वॉल्यूम है उसका पर सेकेंड जो पास हो रहा है। ठीक है, तो वॉल्यूम का एक फॉर्मूला और क्या होता है, एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा डेंसिटी इज इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम, पढ़ा है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम, दैट मीन्स वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या हो जाता है, मास अपॉन डेंसिटी हो जाएगा, यहां से रो इज इक्वल टू एम अपॉन बी, तो v = क्या हो जाएगा,
रो हो जाएगा। ये भी क्या है, वॉल्यूम है पर सेकेंड जो पास हो रहा है। तो ए वन बी वन बराबर ए टू बी टू इज इक्वल किसके हो जाएगा, मास अपॉन डेंसिटी। डेंसिटी क्या है, जो ये लिक्विड फ्लो हो रहा है इस लिक्विड की डेंसिटी हमने रो ली हुई है, ठीक है। तो ए वन बी वन इज इक्वल टू ए टू बी टू, ये भी वॉल्यूम है, ये भी वॉल्यूम है, ये भी वॉल्यूम है, तो इसके इक्वल होगा। इक्वेशन ऑफ क्वांटिटी में क्या कहते हैं कि जितना यहां से एंटर करेगा लिक्विड उतना ही लिक्विड यहां से पास होगा, ठीक। कितना होगा एम अपॉन रो, ठीक है। उतना वॉल्यूम जितना एंटर कर रहा है उतना वॉल्यूम बाहर आ रहा है लिक्विड का। तो अकॉर्डिंग टू इक्वेशन ऑफ क्वांटिटी ए वन बी वन इज इक्वल टू ए टू बी टू इज इक्वल टू एम अपॉन रो, वो वैल्यू हम यहाँ पर पुट अप कर दें। पी वन ए वन बी वन की जगह क्या रखते हैं, ए वन बी वन की जगह क्या रखते हैं, जल्दी बताओ। ए वन बी वन की जगह क्या रखेंगे, ये एम अपॉन रो, एम अपॉन रो रख दिया। माइनस पी टू को ऐसे लिख दिया, ए टू बी टू की जगह फिर क्या लिख दिया, एम अपॉन रो। देखिए क्लियर आ रहा समझ में। अब देखिए एम अपॉन रो यहाँ भी है, यहाँ भी है, ये कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या रह जाएगा, पी वन माइनस पी टू क्या रह गया, पी वन माइनस पी टू। इसको हम इक्वेशन ले लें ए, ठीक। यहाँ तक क्लियर हो गया, नेट वर्क डन निकल आया हमें लिक्विड पे, कितना निकला एम अपॉन रो पी वन माइनस पी टू, ठीक। अब देखिए आगे क्या करना है, इस इक्वेशन को जो है नोट कर लीजिएगा, इस इक्वेशन को हम इधर लिख दें। नेट वर्क हमारा कितना निकल आया है, एम अपॉन रो पी वन माइनस पी टू। बोर्ड थोड़ा सा छोटा है इसलिए हमको ये सब इरेज करना पड़ेगा, ठीक। इसको ये ध्यान रख लीजिए, इक्वेशन ए ही आपकी निकल के आ गई है, ओके। नेट वर्क डन निकल आया एम अपॉन रो पी वन माइनस पी टू। देखिए एक चीज और देखिए, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी कहती है एरिया इनटू जो वॉल्यूम है, एरिया इनटू वेलोसिटी हियर विल बी इक्वल टू हियर, ना। इसके अकॉर्डिंग अगर एरिया मतलब एरिया वेलोसिटी के प्रोपोर्शनल होता है, अगर एरिया ज्यादा होगा तो वेलोसिटी जो है वो कम होगी, अगर वेलोसिटी ज्यादा होगी तो एरिया कम होगा। अब यहाँ पर देखिए आपको डायग्राम से क्लियर है, यहाँ पर एरिया ज्यादा है, यहाँ पर एरिया कम है, दैट मीन्स यहाँ पर लिक्विड की वेलोसिटी कम होगी, यहाँ पर एरिया कम हो गया तो लिक्विड की वेलोसिटी बढ़ जाएगी, क्लियर हो रहा है। यहाँ एरिया ज्यादा है तो लिक्विड की वेलोसिटी हल्की होगी, कम होगी, हल्के से बह जा रहा होगा। यहाँ पर एरिया जो है कम हो गया तो यहाँ वेलोसिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। पाइप अगर चौड़ा होगा तो लिक्विड वहां से हल्का बहेगा, अगर पाइप पतला हो गया, पाइप को आपने दबा दिया, उसका एरिया कम कर दिया, तो उससे लिक्विड जो है तेजी से फ्लो होने लगेगा, वहां पर तो लिक्विड की वेलोसिटी तेज हो जाएगी। आपने जनरल करके भी देखा होगा, कभी पानी यानी लगा रहे हो पौधों में तो जो है पाइप को अगर आप दबा लेते हो, उसका एरिया को कम कर देते हो, तो उसकी वहां पर लिक्विड की वेलोसिटी जो है, जो पानी जो जा रहा है वो तेजी से निकलने लगता है, पाइप से निकलने लगता है, दूर तक धार जाती है पानी, या तो जो है वही है, एरिया ज्यादा है तो वेलोसिटी कम, एरिया कम तो वेलोसिटी जो है ज्यादा हो जाएगी। दैट मीन्स क्या कि यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी कम होगी और यहाँ काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, क्यों। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला याद है, क्या होता है काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है, हाफ एम वी स्क्वायर, इट डिपेंड्स अपॉन वी, वेलोसिटी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी ज्यादा, वेलोसिटी कम काइनेटिक एनर्जी कम। यानी एक्स रे पे लिक्विड की काइनेटिक एनर्जी कैसी होगी, ज्यादा होगी कम, कम होगी, क्यों, क्योंकि वेलोसिटी कम है। और वाई रे पे काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी, यानी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी एक्स से वाई तक जाते जाते। तो जो है काइनेटिक एनर्जी
एट एक्स कितनी होगी, हाफ एम वी वन स्क्वायर, और एट वाई कितनी होगी, हाफ एम वी टू स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो रही है, तो नेट जो है काइनेटिक एनर्जी कितनी इंक्रीज हो रही है, कितनी इंक्रीमेंट होगा वो कितना होगा, नेट काइनेटिक एनर्जी कितनी बढ़ जाएगी, हाँ एम वी टू स्क्वायर, ज्यादा में से कम वाला माइनस कर दें तो जो डिफरेंस होगा उतनी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी, तो हाँ एम कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या रह जाएगा वी टू स्क्वायर माइनस वी वन स्क्वायर। ठीक है, क्लियर हो गया। तो इसको हम इक्वेशन वन डालें, उसको तो हमने ए ले लिया था, तो हम इक्वेशन वन लें, इतनी काइनेटिक एनर्जी में इंक्रीमेंट हो जाएगा। ठीक है, अब पोटेंशियल एनर्जी पे आ जाओ। ओके, तो काइनेटिक एनर्जी तो बढ़ गई, ठीक है, एक्स से वाई पे जाने पे। अब आ जाओ पोटेंशियल एनर्जी पे, पोटेंशियल एनर्जी कैसी हो रही है। अब देखिए पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला याद है क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला सबको याद होगा, पिछली क्लासेस में सब पढ़ चुके हैं। पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू एम जी एच, क्या होता है एम जी एच। अब देखिए एच पे आ जाइए, यहाँ पे देखिए हाइट आपको कैसी दिख रही है, ज्यादा दिख रही है कम, यहाँ से यहाँ पे, यहाँ हाइट ज्यादा है एच वन, यहाँ हाइट कम है, दैट मीन्स एक्स रे पे पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होगी और वाई रे पे पोटेंशियल एनर्जी कम हो जाएगी। यानी कि काइनेटिक एनर्जी तो बढ़ी लेकिन पोटेंशियल एनर्जी में क्या हुआ, लॉस हुआ, पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो रही है। कितनी, अब देखिए पोटेंशियल एनर्जी एट एक्स रे पे निकाले, एक्स पे कितना है, एक्स पॉइंट पे एम जी एच वन, क्लियर एम जी एच वन है ना, यहाँ पे हाइट एच वन, और बाई पे कितनी है एम जी एच टू है, देन डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ फ्लोइंग लिक्विड कितना हो जाएगा, ज्यादा में से कम वाला होता है, यहाँ पे ज्यादा क्या है एम जी एच वन ज्यादा है माइनस एम जी एच टू, ये इसको इरेज कर दे कंफ्यूज, ये वाला तो इक्वेशन लिखी रहने दे, कंफ्यूजन नहीं हो इसको इधर। ठीक है, तो ये हो जाएगा एम जी कॉमन आ गया, क्या हो गया अंदर एच वन माइनस एच टू, इक्वेशन टू। तो काइनेटिक एनर्जी में इंक्रीमेंट हुआ और जो पोटेंशियल एनर्जी थी वो डिक्रीज हुई। ठीक है, अब देखिए देखिए क्या हुआ, जो वर्क डन हो रहा है इस लिक्विड पे, इधर से जो प्रेशर पड़ रहा है, इधर से पड़ रहा है प्रेशर, जो नेट वर्क हमने निकाला है नेट वर्कर, वो वर्क क्या कर रहा है, इस लिक्विड की एनर्जी को इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, क्या कर रहा है वो वर्क डन, इस लिक्विड की एनर्जी को इंक्रीज कर रहा है। पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हुई, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हुई, तो नेट जो एनर्जी में इंक्रीमेंट है वो कितना होगा, काइनेटिक एनर्जी माइनस पोटेंशियल एनर्जी, जो डिफरेंस होगा वो नेट एनर्जी में इंक्रीमेंट होगा। वो क्यों हो रहा है, ये जो नेट वर्क डन इस पे हो रहा है उसकी वजह से हो रहा है, तो जो नेट वर्क डन है वो किसके इक्वल होगा, नेट जो एनर्जी में इंक्रीमेंट हुआ उसके इक्वल होगा। तो दोनों को हम इक्वल कर दें, नेट वर्क डन इज इक्वल टू नेट इंक्रीज इन एनर्जी। बस यहाँ तक आ गए, हो गया डेरिवेशन, कुछ नहीं रह गया है इसमें, इतनी चीजें क्लियर हो गई ना, काइनेटिक एनर्जी में कितना इंक्रीमेंट हुआ वो निकाल लिया, पोटेंशियल एनर्जी कितनी डिक्रीज हुई वो निकाल लिया, नेट वर्क डन कितना हो रहा वो निकाल लिया, तो जो नेट एनर्जी में इंक्रीमेंट हो रहा है वो नेट वर्क डन द्वारा हो रहा है, तो बस दोनों को इक्वल कर देंगे और हमारी इक्वेशन आ जाएगी पी प्लस आप लोग स्क्वायर प्लस रो जी एच इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, अभी निकलने वाला है देखिए, बस ये नेट वर्क डन इज इक्वल टू नेट इंक्रीज इन एनर्जी कर लिया हमने,
इसको हम ऊपर लिखते हैं, इस आपके साथ आप नोट करते जाइएगा। मैं तो इरेज कर देती हूँ, ना हो तो बीच में स्क्रीन शॉट ले लिया करिए। तो नेट वर्क डन, इक्वेशन ए जो मैंने कहा था नोट रखना, ध्यान रखना क्या थी, नेट वर्क डन की एन अपॉन रो पी वन माइनस पी टू ये थी। इस वर्क डन ने क्या किया, एनर्जी को इंक्रीज किया, कितना किया, तो पोटेंशियल एनर्जी में इंक्रीमेंट है उसमें से जो, सॉरी काइनेटिक एनर्जी में जो इंक्रीमेंट है उसमें से पोटेंशियल एनर्जी में जो इंक्रीमेंट है उसको हम माइनस कर देंगे। कितना है काइनेटिक एनर्जी में इंक्रीमेंट, कितना हुआ था, ये हुआ था हाफ एम बी टू स्क्वायर माइनस बी वन स्क्वायर, ये इक्वेशन ठीक है, माइनस पोटेंशियल एनर्जी में कितनी इंक्रीमेंट हुई, एम जी एच वन माइनस एच टू। बस सिंपली आपको इस इक्वेशन को बस सॉल्व कर लेना है और आपका डेरिवेशन अबाउट टू कंप्लीट। ओके, तो रेस कर देते हैं, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है, एम इधर है, एम इधर है, एम यहाँ है, तो एम 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 सब कट जाएगा। मैं एक इक्वेशन और लिख दे रहा तो और भी देर होगा, हाँ आपको रहने दीजिए, खाली एम को कॉमन लीजिए, एम अंदर रह गया क्या, हाँ बी टू स्क्वायर माइनस बी वन स्क्वायर माइनस जी एच वन माइनस एच टू, और इधर देखिए एम अपॉन रो पी वन माइनस पी टू, एम से एम कैंसिल हो गया, ये आपका क्या रह गया, पी वन माइनस पी टू इज इक्वल टू रो, इधर आ जाएगा इधर बट्टे में इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा रो, ये हाफ बी टू स्क्वायर माइनस बी वन स्क्वायर माइनस जी के अंदर मल्टीप्लाई कर दो जी एच वन माइनस माइनस जी एच टू। ओके, अब रो के अंदर और मल्टीप्लाई कर दो, हाफ रो बी टू स्क्वायर माइनस हाफ की भी अंदर हुई रो की भी, हाफ रो बी वन स्क्वायर माइनस रो जी एच वन प्लस रो जी एच टू पी वन माइन पी टू। क्लियर हो गया आपका, बिल्कुल क्वेश्चन को बस सॉल्व कर रहे हैं, अंदर मल्टीप्लाई वगैरह कर रहे हैं कुछ नहीं। आप जितने वन वन वाले टर्म्स हैं वो एक तरफ लिख लो, जितने टू टू वाले टर्म्स हैं वो एक तरफ लिख लो, पी वन प्लस ये है वन वाला माइनस में इधर आके प्लस में हो जाएगा इक्वल के, हाँ रो बी वन स्क्वायर रो जी एच वन माइनस का इधर आके प्लस में हो जाएगा रो जी एच वन इज इक्वल टू पी टू, इधर आ गया तो प्लस का हो गया पी टू प्लस ये हाफ रो बी टू स्क्वायर और ये प्लस रो जी एच टू, यानी एक्स रे पे देखो टोटल एनर्जी निकल के आ गई, ये कितनी प्रेशर एनर्जी पी वन, काइनेटिक एनर्जी हाफ रो बी वन स्क्वायर, पोटेंशियल एनर्जी रो जी एच वन, ऐसे ही वाई पे आ गई प्रेशर एनर्जी पी टू, काइनेटिक एनर्जी हाफ रो बी टू स्क्वायर और पोटेंशियल एनर्जी रो जी एच टू। ठीक, तो देखिए एक्सरे पे तीनों एनर्जी का सम जितना है उतना ही वाई एक्सरे पे तीनों एनर्जी का सम है, दैट मीन्स वी कैन राइट इट पी प्लस हाफ रो वी स्क्वायर प्लस रो जी एच इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ बर्नौलीज थ्योरम। बर्नौली ने क्या कहा था कि जितनी प्रेशर एनर्जी है काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी है तीनों का सम कॉन्स्टेंट होगा, कब, कुछ कंडीशन थी, व्हेन लिक्विड इनकम्प्रेसिबल हो, नॉन विस्कस हो और उसका फ्लो कैसा हो, स्ट्रीम लाइन हो, ठीक, उस केस में क्या होता है, एट एवरी पॉइंट द टोटल एनर्जी ऑफ द लिक्विड पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉन्स्टेंट, टोटल एनर्जी, दिस इज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी फॉर द फ्लोइंग लिक्विड और गैसेस। ओके, क्लियर हो गया है।
थैंक यू। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक इट। अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिए, जिससे कि नॉलेज ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक पहुँच पाए। थैंक यू।